अब मुझे केवल आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चार चार बच्चों के एडमिशन के कागज चाहिए। आप लोग कब से चल रहे हैं? 17 में इनका नाम भी हुआ फिर तो भाई जुलाई दिन की इनका रविदास मंदिर के पास स्टार्ट उसकी क्लास है वहाँ पे। उसने आपको सामने फेस टू फेस बताया जी सर, वहाँ से कितनी दूर है ये यहाँ से? विवेक जो अधीनस्थ चयन आयोग है SSC, इसके द्वारा एक परीक्षा कराई गई थी जो कि नवंबर में हुई थी। इसमें से जो सिलेक्शंस हुए हैं JEE की पोस्ट के लिए UPCL और पिटकुल के 66 सिलेक्शंस हैं इस छोटी सी कोचिंग सेंटर से। इसमें मेरे पास एक जांच आई है SSC से करने के लिए। ये मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, इतनी छोटी सी जगह से इतना हाई सक्सेस रेट, इस बात को देख लिया जाए कि ये कोचिंग सेंटर वाकई में चल रहा है, ये बच्चे यहाँ से जुड़े थे या नहीं जुड़ रहे थे, यदि जुड़े थे तो किस हालत में चल रहा है, इन पर यहाँ पर पढ़ने का लेखा जोखा, कब कब इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है, तो पढ़ाई का लेखा जोखा तो ये लोग नहीं दिखा पाए हैं मुझको, ये कह रहे हैं इनके पास ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो मैंने और बच्चों से पूछताछ की है उनका कहना है कि हाँ यहाँ पे डेफिनेटली ये सब बच्चे कोचिंग में पढ़ा करते थे। इसके आधार पे मुझे जांच करनी है। प्रथम दृष्टया क्योंकि मुझे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है कि इतना हाई रेट ऑफ सक्सेस इस सेंटर का होगा, फैकल्टी को देखते हुए, इनके कामकाज को देखते हुए, कागज़ों को देखते हुए, इनके रखरखाव को देखते हुए सही प्रतीत नहीं होता है, तो ये जाँच मैं SSC को अपनी सौंप दूंगा और उसके आधार पर आगे कार्रवाई। बट उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 200 आई थिंक मेरे को लगता है कि वैकेंसीज थी, 66 यहाँ की हैं और इनके हिसाब से देखा जाए तो उनका तो ऑलमोस्ट 90% का सक्सेस रेट है। इनका एक पता ठिकाना चुड़ियाला में है क्योंकि इंक्वायरी मुझे करनी है, इसलिए वहाँ से भी मैं इनको दिखवा रहा हूँ कि जो एडमिशन के डिटेल्स हैं इनको प्राप्त हो जाएँ। लेकिन यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर किसी भी तरह के रखरखाव कागज़ों को नहीं किया गया है, जो फीस है वो कैश में ली जा रही है, तनख्वाह कैश में दी जा रही है, कोई बैंक खाते का डिटेल यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है जो कि अपने आप में वैसे भी फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब से भी गलत है। मेरी ओर से जो जांच है ये सबसे पहले तो अधीनस्थ चयन आयोग को सौंपी जाएगी, उसके बाद SSC के हम इंस्ट्रक्शंस का वेट करेंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इसकी मेरे पास स्पेसिफिक शिकायत आई थी, लिखित में आई थी और मामला संदिग्ध था, इसलिए ऐसा हुआ था। ये खुद भी अपने फेसबुक पेज पर डाल रहे हैं कि 66 बच्चों का सिलेक्शन एक ही परीक्षा में हो चुका है, तो इसलिए इसकी जाँच करनी आवश्यक।